फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज हम बात करने वाले हैं इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल के बारे में। सो इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी अल्कोहल आप लैब में यूज़ करते हो और कौन सी जो लोग पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल वो कौन सी होती है जो मार्केट्स में आपको अवेलेबल की जाती है। तो आज हम बात करने आए हैं इसके पहले मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कौन सी इनमें से अल्कोहल है वो आप लैब में यूज़ करते हो और कौन सी पीते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इथेनॉल। अब जो हमारे पास इथेनॉल होती है, देखो मान लो किसी इंसान ने अब इथेनॉल पी ली, ठीक है। इथेनॉल पीने के बाद क्या होता है, जो हमारे पास इथेनॉल होता है ना उसका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, 90% मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर के अंदर होता है। तो हमारे पास वो अब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर चली गई। अब लीवर के अंदर जब अल्कोहल जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास एस्टरल्डिहाइड बनेगा। एस्टरल्डिहाइड यानी CH3CHO। तो हमारे पास जब ये बना उसके बाद एक एंजाइम और होता है, उसको बोलते हैं अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज। सेम हमारे पास ये अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। जब ऑक्सीजन का अल्डिहाइड के अंदर एडिशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अभी एसिटिक एसिड क्या होगा, अभी मल्टीपल क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, इसको हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एटीपी होता है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एटीपी का प्रोडक्शन किसमें होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब जो सिट्रिक एसिड है वो तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके अपना एटीपी बना लेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो न्यूट्रिशन सोर्स भी है, यानी न्यूट्रिशन भी आपको देता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट इससे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते कि ये आपको ज़्यादा पीनी चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो किसी ने कम लेवल में पिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा लेवल में पी लेगा तो उसको तो साइड इफेक्ट होगा उसको। तो अब हम बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल की। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, अब इसके अंदर एक कार्बन होता है, इसके अंदर दो कार्बन थे हमारे पास, यही फ़र्क है इसमें। तो अब हम देखते हैं, देखो से मिथाइल अल्कोहल क्या होती है, सेम एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। मैं इसके आगे करेक्शन यहाँ लिख देती हूँ आगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड आगे क्या होगा, यहाँ पे सेम ये जो एंजाइम है, ये वाला एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और ये आगे किसमें फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH। तो ये फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब देखो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, अब यहाँ पे हमने बात की थी एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड तो न्यूट्रिशन दे देगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो इथेनॉल होती है वो इतना अगर आप उसको नॉर्मल पीते रहते हो, नॉर्मली लोगे तो इतना हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन किसी ने इथेनॉल ले ली, सॉरी मिथेनॉल ले ली, तो मिथेनॉल लेने से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन गया। अब फॉर्मिक एसिड पता है कितना मतलब डेंजरस होता है, ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये जो आपकी आइज होती है ना उसके रेटिना के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। अब वहाँ पे ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी इंसान जो है इसका पहला सिम्टम ही ये होता है, जिसने मिथेनॉल पी ली होती है ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड उसकी आइज में जाके उसके हो जाता है एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, वो ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी अंधा हो जाता है वो पर्सन, ठीक है। तो सबसे इतना खतरनाक है, अब देखो उसने आँखें छीन ली आपकी, कितना बुरा होगा। तो मिथेनॉल तो कभी वैसे दिखती नहीं है, कोई बेचता भी नहीं है, बाहर लैब्स के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ध्यान से लैब के अंदर काम क्या करो, इसको गलती से कंज्यूम मत कर लेना गलती से भी। अब देखो यहाँ पे कई केसेस में क्या होता है, जो हमारे पास मिथेनॉल होती है, सपोज किसी ने ले ली मिथेनॉल, ठीक है, अब मिथेनॉल जिसने ले ली है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है। अब हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड कई लोगों को देखा गया है कि मिथेनॉल लेने से कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है, देखो जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है ना उसको आप बोल सकते हो डिग्रेड करने के लिए हमारे पास फॉलिक एसिड चाहिए होता है हमें। फॉलिक एसिड क्या होता है, देखो इसको डिग्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉलिक एसिड, यहाँ पर लिख देती हूँ फॉलिक एसिड। अब जो फॉलिक एसिड अगर आपको पता है तो वो एक तरह से आपको बाहर से लेना होता है, यानी आपका डाइटरी सोर्स होता है, आपकी बॉडी में नहीं बनता फॉलिक एसिड। अब मान लो किसी पर्सन ने फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी खाई होंगी, ठीक है, उसको बाहर उसने बाहर से फॉलिक एसिड भी लिया हुआ है और किसी ने मिथेनॉल भी पी लिया, अब उसका जो ये फॉर्मिक एसिड बना है ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो वो उसमें क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी निकल जाएगी आपकी बॉडी से बाहर, और वाटर तो वाटर ही है, और भी फंक्शन शो कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉलिक एसिड वाला तो इंसान बच जाएगा, लेकिन सपोज कोई किसी बंदे ने फॉलिक एसिड नहीं लिया, अब हर कोई फॉलिक एसिड तो ना लेता है,
फॉलिक एसिड भी मतलब जैसे डाइट्री है ये हर कोई नहीं लेता, ठीक है। अब ऐसे पर्सन ने सपोज लिया मेथनॉल जिसने फॉलिक एसिड नहीं लिया था, जो फॉलिक एसिड नहीं खाता, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिडिस पड़ा रहेगा। अब एसिडिस पड़ा रहेगा मतलब क्या है, एसिड है और वो आइस करने जाएगा, ठीक है, एक तरह से पॉइजनिंग, इसको हम मिथेनॉल की पॉइजनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, मिथेनॉल की वजह से पॉइजनिंग हुई। तो ये पॉइजनिंग ये क्रिएट करता है, सबसे पहला इसका सिम्टम होता है ब्लाइंडनेस, अंधा कर देगा इंसान को, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होते हैं ना नेल पॉलिश बनाने की, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर होती है ना वो थोड़ी सी क्या होती है, वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, जो लेबर जो होती है इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबर होती हैं, अब वो तो थोड़े से अनएजुकेटेड हैं, तो जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लेवल पे देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज लेवल में वो अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं। अब वहाँ पे जो अल्कोहल होती है वो मिथेनॉल वाली होती है, अब मिथेनॉल भी उनको रखनी होती है क्योंकि उनको पता नहीं है कि जैसे जो लेबर होती है अगर उनको पता चल गया कि ये जो अल्कोहल है तो इसको पी लेंगे, तो वो जानबूझ के वहाँ पर मिथेनॉल का यूज़ करते हैं ताकि लोग इसको कंज्यूम ना कर पाए, और इससे क्या होता है साइड इफेक्ट आपको पता है क्या होते हैं, डेथ भी हो सकती है इससे इंसान की, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में मिथेनॉल का हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसको लोग कंज्यूम ना कर सके, ठीक है, ताकि अगर मान लो हमने वहाँ पे इथेनॉल यूज़ कर लिया तो इथेनॉल को तो क्या करते हैं लोग पी लेते हैं वहाँ पे, तो इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ पे मिथेनॉल का हम यूज़ करते हैं ताकि इंडस्ट्री का नुकसान भी ना हो, ताकि उसको कंज्यूम भी ना करें लोग, ठीक है, और अच्छे से आप प्रोडक्ट बना सको अपना, और लैब के अंदर भी यूज़ करते हो मिथेनॉल को, ठीक है। बट बात ये कि अल्कोहल को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे मिथेनॉल हो चाहे इथेनॉल हो, है तो हमारे लिए साइड इफेक्ट की कोस करती है हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। अगर एक बार उसकी क्या कहते हैं लत लग जाती है तो छुटवाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल को तो कंज्यूम करना ही मत, ठीक है, गलती से भी। तो अब हम बात करते हैं इथेनॉल के जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अब देखो आपको ये तो समझ आ गया है ना कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो नॉर्मल जो मार्केट्स में आप लोग पीते हैं वो वाली होती है, लेकिन मिथेनॉल क्या होती है, इस तरह से जहरीली होती है, वो जहरीली क्यों होती है, फोलिक एसिड की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता है, ये आगे एटीपी बना देता है, तो इसलिए ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और मैंने देखो लोग इसको पीते भी क्यों है, ताकि इसका सीरियस डिप्रेस हो जाता है इंसान का, ठीक है, सीरियस डिप्रेस होगा तो सेडेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है, स्लीपिंग देगा अगर वो आपने इसका जो डोज बढ़ा दिया, ठीक है, अगर और डोज बढ़ाओगे तो कोमा में भी हो सकता है, उससे कोमा में भी जा सकता है इंसान, अगर और डोज बढ़ा दिया तो रेस्पिरेटरी फेल हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है इंसान की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इथेनॉल के ड्रग्स के बारे में, कौन सी इसमें ड्रग हमें दी जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है डाइसल्फिराम होती है ना, डाइसल्फिराम क्या करते हैं, मान लो अब डाइसल्फिराम जो हमारे पास ये एंजाइम है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, इसको ब्लॉक कर देती है, यानी इसको ब्लॉक करके क्या करती है, अब मान लो जो हमारे पास अभी एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो अल्डिहाइड जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हमारे पास एस्टल्डिहाइड जो है, एस्टल्डिहाइड क्या करता है, अब मान लो आपने किसी ने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल यानी इथेनॉल वाला अल्कोहल लिया, और उसके बाद क्या होगा, उसके पास ये वाला एंजाइम तो है, अब ये वाला एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एस्टल्डिहाइड के अंदर, अब एस्टल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला एंजाइम था अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, अब मान लो आपके पास ये जो एंजाइम है वो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डाइसल्फिराम क्या करता है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो क्या करता है, नोज़िया क्रिएट करता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, और वॉमिटिंग नोज़िया बहुत ही गंदे गंदे इफेक्ट आते हैं, ठीक है। आप एक तरह से ना पता क्या होता है यहाँ पे ना, अब मान लो किसी ने ये जो ड्रग है दे दी उसको, पर्सन को जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अब उसने ऊपर से अल्कोहल पी लिया, ठीक है, अब अल्कोहल पी लिया वो ड्रग भी उसके अंदर है, अब यहाँ पे हमारे पास एस्टल्डिहाइड बॉडी के अंदर बन जाएगा क्योंकि ये तो नहीं बन पाएगा एसिटिक एसिड, अब जब ये बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो उसको पर्सन को क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, नोज़िया होगा उसको, उसको बहुत बुरे बुरे इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब उसको डर, उसके बारे में डर बैठ जाएगा कि जब भी मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती है, नोज़िया जाता है, तो उसको पीने का मन ही नहीं करेगा अल्कोहल, तो एक बार पिएगा, दो बार पिएगा वो, तो तीसरे बार वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको क्या हो जाएंगे, उसको वॉमिटिंग नोज़िया ऐसे से इफेक्ट आएंगे जिससे वो पिएगा ही नहीं अल्कोहल को। तो एक तरह से डाइसल्फिराम ऐसे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए, अब मिथेनॉल को
मान लो किसी को पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, अब उसके पास फॉलिक एसिड नहीं था उसकी बॉडी के अंदर। अब मिथेनॉल हमारे पास क्या है, एक तरह से हार्मफुल है, पॉइजनिंग क्रिएट करता है वो, तो पॉइजनिंग इसने क्रिएट कर दी। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल किसी ने पी लिया, अब इस कंडीशन में क्या करना होता है, हमारे पास जो ये अल्कोहल होती है उसको अल्कोहल दे दो। अल्कोहल कौन सी वाली, इथेनॉल वाली। किसी ने अगर मिथेनॉल पी लिया तो उसको इथेनॉल पिला दो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मतलब दोबारा फिर इसको अल्कोहल दोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इससे कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है हमारे पास, जो एंजाइम है ना ये तो सिमिलर है हमारे पास। देखो यहाँ पे सिमिलर एंजाइम की वजह से क्या होगा, मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत किसी दिन दोनों अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, मिथेनॉल भी कंज्यूम कर लिया, इथेनॉल भी कंज्यूम कर लिया। अब इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो ये एंजाइम्स है ज़्यादातर इथेनॉल को प्रेफरेंस देती है मेटाबोलाइज करने के लिए। तो जब उसने मिथेनॉल पी तो उस वजह से क्या हुआ, जो एंजाइम थे उसके ऊपर उसको मेटाबोलाइज कर रहे थे मिथेनॉल को, अब उसने हमने क्या किया, उसको इथेनॉल दे दिया। इथेनॉल देने से क्या हुआ, जो एंजाइम थे इथेनॉल मिथेनॉल को छोड़ के इथेनॉल को मेटाबोलाइज करने लग गए, ठीक है। तो जो हमारे पास मिथेनॉल है वो एसिडिक रहेगा, इससे क्या होगा, जो मिथेनॉल है वो बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो उसकी पॉइजनिंग दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी जो इथेनॉल है हमने कैसे यूज़ किया, जो एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स ने क्या किया, एक तरह से मिथेनॉल को छोड़ के इथेनॉल को मेटाबोलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिथेनॉल है वो बॉडी से निकल जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक ड्रग होती है जिसका नाम है फैमिपिजोल। फैमिपिजोल क्या करती है, फैमिपिजोल हमारे पास जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है उसको एक तरह से ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास ये आगे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास मिथेनॉल है वो एसिडिक बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है हमारे पास, सेम है, ठीक है। हमारे पास तब भी हमने मिथेनॉल को एसिडिक रहने दिया था इस वाले केस के अंदर, और जब हमने ये वाली मेडिसिन दी फैमिपिजोल जब हमने दिया, तो इस केस में भी क्या हुआ, मिथेनॉल एसिडिक रह गए और बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।